नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द वंदे भारत। मानसून के मौसम में लगातार हादसे की खबरें सुर्खियां बनी हुई हैं। ताजा मामला हिमाचल प्रदेश के किन्नौर का है, जहां भूस्खलन के कारण 500 मीटर नीचे खाई में एक बस गिर गई। बस के अलावा चट्टानों की चपेट में कई गाड़ियां आई। सूमो गाड़ी में सवार सभी 8 लोगों की मौत भी हो गई। इस हादसे में अब तक कुल 13 मौतें हो चुकी हैं और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आपको बता दें कि भूस्खलन के बाद मौके पर खौफनाक मंजर बना हुआ है। करीब 200 मीटर का इलाका मलबे से पूरा ढक चुका है। घटनास्थल पर 4 एम्बुलेंस, 11 गाड़ियां और रेस्क्यू की कई मशीनें मौजूद हैं। लगभग 100 लोगों के खाने पीने का इंतजाम भी किया गया है। बता दें कि किन्नौर जिले के चोरा और निगुलसरी के बीच नेशनल हाईवे पर लगभग 11:56 पर पहाड़ दरका और हाहाकार मच गया। पत्थर, मिट्टी, मलबा, अंधाधुंध इस तरह से गिरा कि उसने कई जिंदगियों को अपने चपेट में ले लिया। यात्रियों से भरी बस मलबे में दब गई है। वहीं बताया गया है कि पहाड़ों से इतना ज्यादा मलबा गिरा कि किन्नौर के रेंगोंग पीओ से शिमला होते हुए हरिद्वार जा रही बस का घंटों आता पता नहीं चला। पूरी रात बेचैनी में गुजरी क्योंकि अंधेरा गिरने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ा। लेकिन सुबह जैसे ही ITVP के जवानों ने जैसे ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, वैसे ही बड़ी राहत की खबर मिली। जिस बस का कल तक आता पता नहीं था, वो बस मलबे में नजर आ गई। बस सड़क से 500 मीटर नीचे और सतलज नदी के पानी की सतह से 200 मीटर लटकी हुई थी। इस बस में कितने यात्री सवार थे, इसका अभी ठीक से पता नहीं चला है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि बस में करीब 25 से ज्यादा मुसाफिर थे। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।